अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये छोकरे तुझ बताओ बात सोच है क्या बात है। हम दोनों से बहुत बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। संतों के हिस्से की सजा भी भुगतने को तैयार हूं, लेकिन हमारे इस गलती को जबरदस्ती का नाम मत दीजिए प्लीज, क्योंकि यह जबरदस्ती नहीं हमारा प्यार है। जबरदस्ती तो वो थी जो आपने 3 साल पहले की थी, 18 साल की लड़की से शादी करके अपने अधेड़ उम्र में अपने बेटी से भी कम उम्र की लड़की से शादी की, क्या वो जबरदस्ती नहीं थी? संत को 10 साल के लिए जेल भेजा, क्या वो जबरदस्ती नहीं थी? और 10 साल बाद जब वो डिवोर्स लेने के लिए वापस आई तो आपने उसे छोड़ा क्यों? मैं मानता हूं उससे गलती हुई एक शादीशुदा औरत से प्यार करके, आपकी पत्नी से प्यार करके, लेकिन प्यार तो अंधा होता है ना। अगर दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, रहना चाहते हैं एक साथ, उसमें गलत क्या है? इतने साल पहले जो कुछ भी हुआ वो उसकी मजबूरी थी। अब जो कुछ भी कहना चाहते हैं मुझे कहिए, संत को कुछ मत कहिएगा, हमने प्यार किया है, गुनाह नहीं। ए चुप, अबे मुंह खोलो ने। क्यों? आपको हमारा प्यार दिखता नहीं है? मैं देखना नहीं चाहते, कितने अरमान होंगे उसके, लेकिन आप तो सिर्फ यही चाहते हैं ना कि वो यहाँ आपकी पत्नी बन के रहे, आपके बच्चों की देखभाल करे, वही करे जो आप चाहते हैं। लेकिन आप इस बात को नहीं झुटला सकते कि संतु आपकी पत्नी सिर्फ नाम की है, इसलिए अगर अब आपने उसके साथ कोई भी जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप इसे पाना चाहते हैं और मैं इसे चाहता हूं। अरे आपको क्या पता संतु के बारे में, संतु क्या चाहती है? आप तो उसमें थोपे गए थे। कब से तेरी बकवास सुनने जा रहा हूं, अगर एक शब्द और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों होते, तुम्हें अब भी यकीन है कि मैं यहाँ जबरदस्ती कर रहा था? मिस्टर धर्मराज भैया वंशी, अगर आप चाहें तो आप खेमी और हितेन से पूछ सकते हैं, वो संतु और मुझे पहले देख चुके हैं। ए हितेन, जो खबर थी तुमने, क्या खबर थी इस बात के बारे में तुम दोनों को? मैंने देखा था। आगड़ बोलने। पापा मैंने देखा था सूत्र और संतु को बात करते हुए, लेकिन मुझे लगा कि ये जबरदस्ती कर रहा है उसके साथ। तो जब मैंने उन दोनों के बीच बात की तो मुझे लगा कि संतु। अरे वाह हितेश, वाह। धर्मराज तू इन बच्चों को क्या पूछ रहा है? हाँ, उनको क्या पता, मुझे पूछ। ये लड़की कभी ऐसा नहीं कर सकती। संतु तू धर्मराज को सच्चाई बता देना, वो जरूर तेरे पर विश्वास रखेगा। इनसे पूछिए कि इन्हें क्या लगता है, जो भी ये मानेंगे वो सच होगा। देखा बेटा, उसने तो अपना विश्वास तेरे विश्वास पर छोड़ दिया। बा वो बोलते हैं कि जो नजर में पड़े वो हमें सत्य नहीं होता, पर एक बात कहूं तुम्हें, जो नजर में पड़े वो हमें छूट भी नहीं होता। हाँ, पर मैं भूल गया कि इस उम्र में फक्त इच्छा होती है, धैर्य नहीं। बस धर्मराज बस, तूने मुझे एक बार कहा था ना कि तू राम नहीं है न संतु सीता है, तो तू क्या कर रहा है? राजा राम की तरह तुझे भी विश्वास नहीं है उस पर? मुझे तुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है, तू आजकल के लड़के पर विश्वास कर रहा है और अपनी पत्नी पर नहीं? संतु हमारी पत्नी हाथी,
10 वर्ष पहले थी, पर वो नहीं रही, ये बात मुझे आज खबर पड़ रही है। पापा ने भले ही तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे तेरी इस गंदी हरकत के लिए माफ नहीं करूंगा। छोड़ मुझे। मेरा हाथ छोड़े तेरे, मैंने कुछ नहीं किया, तू जानता है। चल तेरी छोड़, कब से तेरी बकवास सुनने जा रहा हूं मैं, तुम तो सुनने वाला मैं। चल विनती करता आप लोगों से कि आप सब यहां से चले जाइए, क्योंकि ये हमारे घर का मामला है। माफ कर चुका तो क्या खड़ा है? निकल जा इससे पहले कि मैं तेरा खून कर दूं। ये क्या रहा? मैंने कहा निकल जा यहां से। क्या हुआ इतने? तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या किया इसने? कितन भाई, आखिर इसने किया क्या? किया इसने, जानना चाहता कि तेरे दोस्त ने क्या किया है। ये किया इसने? ये क्या तुमने रुद्र? अरे तेरी बुद्धि ठिकाने है कि नहीं? संतु इस घर की बहू है, धर्मराज भैया वंशी की पत्नी। शर्म आनी चाहिए तुझे। सुनिए सखी, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलता ना तू? जिस घर में मेरी शादी होने जा रही, उस घर में तूने इतनी घटिया इतनी नीच हरकत की। यही घर मिला तो जाए ये सब करने के लिए। संतु मुंगी की बड़ी बहन है, वो बड़ी गलती करके। हाँ गलती किया मैंने, मानता हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी कि तेरे सगाई के दिन किया ये मैंने। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। अरे वो भी तो यही चाहती थी, हम दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो इसने गलत क्या है? निकल जाए यहाँ से, निकल जाए। और दोबारा मुंह मत दिखाना अपना, निकल। रुद्र ने संतु के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं धर्मराज। शुक्र है इस वक्त मां यहां नहीं है, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्हें घर भेज दिया, वरना आज वो यहां खड़े खड़े इस शादी को ही तोड़ देते। तो जानता है ना मां को, उसको घर से ज्यादा समाज की चिंता रहती है। डैड आई होप आप ये शादी नहीं तोड़ेंगे। गलती संतों की, और संतों की गलती की सजा मोंगी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं मोंगी से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा। बराबर बोलता है तेरा दिख रहा। बीजी बात मानता हूं, क्या मुंगी संतु की बेन है, पर इस घर से भी संबंध उसका, इस घर की सदस्य है ना मेरी दिकरी जैसी, इसलिए यह संबंध तोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं होता। संबंध तो मैं भी नहीं तोड़ना चाहता धर्मराज, पर आज यहां जो कुछ भी हुआ मन खराब हो गया मेरा। मेरी बात का बुरा मत माना धर्मराज, अगर संतु शादी में रही तो लोग हजारों सवाल पूछेंगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं रहेगी। अगर बोल चलता हूं,
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जाओ। चले गए वनराज, कुछ भी बोलकर चला गया। तेरा पति धर्मराज भी बोलकर चला गया, सब चले गए। और तू कुछ नहीं बोलेगी? जब औरत के चरित्र ऊपर उंगली उठती है ना, तो पूरी दुनिया नहीं अपने पति से भी लड़ लेती है, तो तू भी तेरे पति से लड़। धर्मराज से जाके कह कि तू तेरे धर्म पर कायम है। कह दे उसे कि तेरा चरित्र मैला नहीं है, तू पवित्र है। सीता के चरित्र पर जो उंगली उठी तो उसने अग्नि परीक्षा दी। मैं तुझे नहीं कहती तू अग्नि परीक्षा दे, पर सबके अधिकार के लिए तू लड़ती है, तब तू तेरे अधिकार पर लड़। कह तेरे पति को कि तूने कोई गलत काम नहीं किया। ये बूढ़ी आंखें रिश्ते के आर पार देख सकती है बेटा, उसे दिखाई देता है कि कहां झगड़ा है कहां प्यार। तुम दोनों के बीच गुस्सा है, घृणा है, मन दुख है, कहीं ना कहीं प्यार तो है ना बेटा। तो फिर भले धर्मराज तुझे प्यार ना दिखाए, पर तू उसे नफरत तो करने मत दे। तू नहीं बोलेगी है ना? तू सही है तो तू सफाई क्यों देगी? संतु बोलना, तू बोल संतु बोल। अब नहीं बोलेगी तो तू कभी नहीं बोल पाएगी। बोल तो, तू सुनती है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ। बोल संतु बोल। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।